हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मैं राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आप देख पा रहे होंगे कि ये कंप्रेसर फ्रिज का है और इसमें लाइट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको देखने कंप्लीट फ्रिज में लाइट नहीं आ रहा है, तो आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। ठीक है, और इस पर मैं कंप्लीट वीडियो आज देने जा रहा हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको ये जो एसी लीड है उसको चेक करिए। ठीक है, ये तो होता है बॉडी के लिए, ठीक है, और एल जो होता है फेज के लिए, एन जो होता है न्यूट्रल के लिए। तो पहले आप देखिए, यहाँ रखिए प्रोब को, मीटर के प्रोब को, मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगा लीजिए। ठीक है, आपको ऐसे जो भी है कंटिन्यूटी टेस्ट है तो उससे भी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आइए, इसको खोलिए, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो तार है यहाँ आता है, देखिए यहाँ से आते हुए यहाँ आता है, यहाँ के बाद इसको चेक करिए, इसका आपका ये क्लियर होगा कि आपका फ्यूज जो है वो सही है। यहाँ के बाद आप देखिए, यहाँ से होते हुए सप्लाई चली गई ऊपर, ऊपर जो थर्मोसेट लगा होता है, इसमें बल्ब के लिए लगा था, वो सब सारे स्विच में यहाँ से सप्लाई चली गई, और वहाँ उसके बाद यहाँ पे रखिए न्यूट्रल। न्यूट्रल देखिए यहाँ पे आया ब्लैक, फिर यहाँ से होते हुए देखिए एक ब्लैक हो गया, एक ब्लैक हो गया और एक ग्रीन हो गया। ग्रीन यहाँ से है, जिसका सीधा सीधा इससे होता है, उसको आपको टेस्ट करने की उतना जरूरत नहीं है, चाहे तो आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी पे पेंट हटा के करिएगा कहीं भी, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये ऊपर आ रहा है तो उसको उतना टेस्ट करने की जरूरत नहीं आपको। फिर आपने कर लिया, आप न्यूट्रल पे रखिए। ठीक है, अब ब्लैक वाला चेक करिए, ब्लैक यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ से होते हुए फिर ब्लैक आपका यहाँ आया। ठीक है, यहाँ ये जो है, यहाँ से देखिए कौन से, ये ब्लैक इधर गया, इधर से होते हुए फिर ब्लैक, यहाँ से होते हुए देखिए यहाँ होते हुए यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि तार आपका जो है वो सही है, फ्यूज जो है आपका वो भी सही है, फिर भी आपका जो फ्रिज है वो ऑन नहीं हो रहा है, इसका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं अभी आपको सप्लाई दे के दिखाता हूँ। ठीक है, सप्लाई दे दिया गया, अब मीटर को एसी रेंज में लगाइए। ठीक है, अब देखिए ये कॉमन वाले पे रख लिया गया। ठीक है, कॉमन वाले पे रख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ देने से आपको 213 वोल्ट, लगभग 220 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से सप्लाई होते हुए ऊपर चल गया, रिटर्न जो आ रहा है वो आपको यहाँ आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। जो थर्मोसेट के पास रिले लगा होता है, रिले के एल पे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आना चाहिए। अगर यहाँ पे सप्लाई मिलता तो आपका कंप्रेसर जो है वो बिल्कुल कार्य करने लगता। ठीक है, यहाँ पे नहीं आने के चलते आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं अभी सप्लाई रिमूव करके, ठीक है, जो एल पॉइंट है इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। एल मैंने निकाल दिया, अब डायरेक्ट यहाँ से आपको सप्लाई दे के मैं दिखा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर लग जाए कि प्रॉब्लम ऊपर है। ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सप्लाई दे दिया, कोई भी एक तार का टुकड़ा लें, ठीक है, देख लें ध्यान से, इधर कटा ना हो, सुरक्षित तरीके से आपको एक यहाँ पे टच करना है, दूसरा यहाँ पे। देखिए आप सुन पा रहे होंगे कंप्रेसर ऑन हो रहा है हटाने से। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देंगे तो आपका कंप्रेसर काम करने लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधी साफ है कि सप्लाई जो ऊपर से आती है, यहाँ से देखिए ये रेड ऊपर गया, ठीक है, और ये ग्रे, वाइट टू कॉमन, ये ग्रे वाला जो है यही सप्लाई, ये वाला आ रही है रिटर्न, जो कि यहाँ तक नहीं मिल पा रही है। ठीक है, फिर इसको वापस उसी तरह लगा दीजिए, अगर आपको डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से एल पे देने पर कंप्रेसर ना चले तो आपको ये जो रिले लगा हुआ है, ठीक है, ये जो यहाँ से निकल जाएगा, इस रिले को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही है, आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने डायरेक्ट दिया और ये चलने लगा। ठीक है, तो फिर वापस इसको लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, सामने का जो पैनल है उसको खोलना है। ठीक है, पहले इधर से दो जो बोल्ट दिए हुए हैं इसको इसको रिमूव कर लीजिए, उसके बाद यहाँ, ठीक है, यहाँ पे कवर लगे होते हैं, इस तरह करके आपको कवर लगाए गए होते हैं कंपनी द्वारा। ठीक है, तो आपको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से कवर को पहले रिमूव करना है, उसके बाद सारे जो स्क्रू हैं उसको रिमूव करना है। सब स्क्रू रिमूव करने के बाद आप इसको ऐसे उठाइए, ठीक, सब कुछ चाहें तो आप हटा सकते हैं,
अब देखिए ये जो तार जो है ये पाइप है, तो एक्चुअली ये तार नहीं, ये पाइप है जिसमें गैस भरी होती है, ठीक है। ये थर्मोसेट का जो यहाँ वाला टूट गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो है स्विच गड़बड़ होने से ऐसा होता है, आपको क्या करना है, थर्मोसेट से दोनों वायर को रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद फिर से सप्लाई दे के दोनों को आपस में शॉर्ट करना है, ठीक है। मैं सप्लाई देता हूँ, देखिए जैसे मैंने आज दोनों को टच किया, ठीक है, आपका कंप्रेसर जो है ऑन हो गया, कंप्रेसर काम करने लगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो स्विच है पहले तो फिर से आपको सप्लाई रिमूव कर देना है, उसके बाद ये जो स्विच है, ये थर्मोसेट जो है, इसको आपको चेंज करना है, ठीक है। मैं बाहर निकाल के इसको कैसे टेस्ट करना है वही बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसका नॉब निकाल लीजिए, ठीक है। नॉब अच्छे से निकालने के बाद तब आप थर्मोसेट को बाहर निकालिए। देखिए आप थर्मोसेट को चेक करने के लिए सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो है ये आपका जो पुश टाइप स्विच की तरह काम करता है, पहले तो ये भी काम नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूटी बताना चाहिए, बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे साउंड बीप साउंड मिल रहा है उसको यहाँ पर भी मिलना चाहिए कंटिन्यूटी रेंज में, मीटर को जब आप लगाएंगे, ठीक है, मीटर को जब कंटिन्यूटी लगाएंगे तो यहाँ भी मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला स्विच जो थर्मोसेट स्विच है ये ख़राब है, उसको चेंज करना है, ठीक है। साथ ही साथ इसका पाइप भी टूट गया तो आपको ऐसे भी चेंज करना है, ना तो टेम्परेचर जो है वो सेंस नहीं कर पाएगा, जो कट करता है वो नहीं कर पाएगा। तो मैं दूसरा थर्मोसेट अभी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए इसके दोनों लेग पे आपको बीप साउंड मिल रहा है, ठीक है, जो कि इसके दोनों लेग पे नहीं मिल रहा था। तो इससे सीधा सीधी साफ है कि आपका ये थर्मोसेट ख़राब है, और इसका जो यहाँ से देखिए ये काम कर रहा है, ठीक है, जो कि वो काम नहीं कर रहा था। तो आपको नया थर्मोसेट लगाना है, ठीक है। ये पत्ती जो है इसको प्लायर के हेल्प से इसको खोल के इसमें लगा देना है, तब आपको यही लगा सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये गोदरेज का है, ये वर्लपूल का है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लग सकता है। तो आप इस पत्ती को खोल के इसमें लगा लीजिए, फिर मैं कैसे लगाता हूँ दिखाता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये जो थर्मोसेट का पाइप है इसको खोलने के लिए आपको यहाँ से देखिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, इसको थोड़ा सा लूज करके यहाँ से इसको निकाल के फिर इसको वापस ऊपर इसको ऐसे खींच लीजिए। अब देखिए ये जो पाइप है इसको बिल्कुल केयर से आपको खोलना है, ध्यान रहे, थोड़ा भी अगर जल्दीबाजी में आप इसको करेंगे तो ये क्या होगा, लीक कर जाएगा और इसमें से गैस अगर निकल जाएगा तो भी ये सही से काम नहीं करेगा। फिर इसको वापस ऊपर से अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहां पे अच्छे से फंसा देना इस लॉक में, ठीक है, ध्यान रखते हुए कि पाइप ज्यादा मुड़े नहीं।
ऐसे जब ये लग जाए उसके बाद आपको ये दोनों जो वायर्स को फिर से कनेक्ट कर देना है। अब उसके बाद दोनों नॉब्स को आपको अच्छे से लगा देना है। ठीक है, उसके बाद इस नॉब को अच्छे से लगाना है ताकि ये काम करता रहे। जब ये सही से लग जाए ठीक है तो फिर से एक बार सप्लाई देके चेक कर लें। ठीक है, फ्रिज आपका ऑन हो चुका है, कंप्रेसर बिल्कुल चलने लगा है। ठीक है, कुछ समय बाद तो है जो कूल होना शुरू हो जाएगा। तब अच्छे से इसको जैसे जैसे आपने डिसेंबल किया फिर से इसको असेंबल कर लें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।